Hey guys, welcome back to our channel Delhi and Twins. We hope कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, आज हम इश्क मुश्किल ड्रामे का एपिसोड 14 स्टार्ट करने वाले हैं। 13th एपिसोड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो guys, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आगे की स्टोरी देखते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा चल रहा है। साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपको साहब बुला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कहाँ पर हैं आप? मैं वो दाऊद अली खान से मिलने आया हूँ। ये सोच करके शायद उससे रहम आ जाए, वो शिप्रा को छोड़ दे, वो थाने में कैद है फजल बख्श। सर क्या जरूरत है सर आपको वहाँ पे जाने की? आपको पता है सर, मेरी मुर्शिद साईं से बात हुई है, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। मैं शिवराज से मिलकर आया हूँ थोड़ी देर पहले। शिवराज सर, वो खैरियत से है ना सर? बिल्कुल ठीक है सर, आपको पता है वो सुबह तक इंशाल्लाह घर भी वापस आ जाएगी। लेकिन कैसे सर, बस कुदरत के खेल है सर ये। इंसान को सर बस कुदरत पे भरोसा रखना चाहिए और तवक्कुल करना चाहिए, खुद ही बन जाते हैं। ये चाहता नहीं है बचा लिया तुमने। फजल बख्श, इतनी बड़ी खबर सुना के तुमने तो खरीद लिया मुझे, गुलाम बना लिया तुमने मुझे अपना। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। सर मुझे शर्मिंदा ना करें सर ऐसी बात करके। सर आप एक काम करें सर, दाऊद अली खान के घर से चले जाए, ना कवार है ना ठीक नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब आए मैं आपको छोड़ने। ओए होए, क्या निकाला है भाई, भाई इनने। अरे वो जलील कर देता है यार उसे। अब आराम का है। हेलो बाबा। शमीर तुम तुम कब आए? तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। बस थोड़ी देर पहले। तुम बताना तो था ना यार, तुमने बताना गवार नहीं समझे। वो मैं जल्दी मैंने एयरपोर्ट लेने चला गया था, मैंने मना कर दिया था, अर्जेंटली आना पड़ा तो मैंने बस को कॉल की कि बस पिक करने आ जाओ। चलो अच्छा हुआ तुम आया, नाइस टू सी यू। अच्छे से गले मिल लगा, जरूरी बात करनी है आपसे। फोन पे कर लेते? हाँ सोचा था कॉल पे बात करूँ, मगर बात ऐसी है कि हम मिलकर बात करें तो बेहतर है। सब ठीक है ना? ऑल गुड। अंदर चल के बात करते हैं। हाँ चलो आइए। हमने बाबा को भी सेट कर दे गए। बाबा क्या किया भाई? मैंने क्या किया? सोशल मीडिया देखा आपने? हंगामा देखा है आपने? लोग आपको, मुझे, पार्टी को बैश कर रहे हैं। मुझे ऑल द वे वहां से आना पड़ा आपसे ये बात करने के लिए कि खुदा के वास्ते कुछ करें, इस मामले को सॉर्ट करें एक दफा। बेटा बस इतनी सी बात थी। बाबा इतनी सी बात है आपके लिए? ऑफ कोर्स, ये बहुत मामूली सी बात है। सोशल मीडिया का तो मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूं। कौन सी असली दुनिया है वो? इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। और यही लोग जो गालियां दे रहे हैं ना, कल यही लोग सर पे बिठा रहे थे और आने वाले कल में भी यही सर पे बिठाएंगे, तुम देखना। रही बात उस लड़की की, अब उसने हरकत ही ऐसी की है, उसको तो मिसाल बनाना पड़ेगा। बाबा मैं उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यहां आपको बचाने आया हूं। अगर आपको याद हो पिछली बार आपको मैंने डूबता हुआ देखा है। अगर यही हरकतें रही आपकी तो मैं क्या, कोई भी नहीं बचा सकेगा आपको डूबने से। कुछ नहीं होता मुझे, तुम फिक्र ना करो। चलो मिलाओ, जब परेशान मत हो, बैठो बैठो ना। इनडायरेक्ट में ही बोल सकता है ना। बाबा हमारी यूथ परसेंटेज कितनी है? 63%। क्यों, उसके ऐसे क्या ताल्लुक? क्योंकि जिस सोशल मीडिया को आप कुछ नहीं समझते हैं वही यूथ उसको अपनी असल दुनिया मानती है और उसी बेसिस पे अगली पार्टी का वोट बैंक डिसाइड होता है। बाबा हम ये गलती करके अपनी पार्टी का 63% वोट बैंक गवा रहे हैं। समझदार है ये, मतलब यूथ के बारे में सोच रहा है ये। अपने बाबा के साथ पॉलिटिक्स को लेकर ही बात करके समझाता है, पॉलिटिक्स को लेकर ही भाई। यूथ ही करता है। तुम मुझे बताओ सोशल मीडिया पे तो यूथ ही करना चाहिए। दो चीजें, मैंने सोशल मीडिया टीम हायर की है
जितना भी डैमेज होगा उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन उससे पहले उस लड़की को रिलीज करना होगा आपको। नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। कहा भाई, आपका बेटा नहीं पार्टी का चेयरमैन बोल रहा है, जरूरी है। ओए ओए। बहुत हंगामा मचा हुआ है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे मैरी ने डिनर पे बुलाया है। मैं जब तक वहां से आऊंगा प्लीज डिले मत करिएगा प्लीज बाबा। तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तरीके से बिल्कुल, मतलब वो चाहिए तो चाहिए भाई, वो छूटनी चाहिए, वो छूट भी जाएगी और बोल क्या आया बंदा। हाँ, पार्टी को फायदा भी होगा, दोनों साइड से सोचता है। हाय शामिर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आखिर तुम्हें मेरी याद आ गई। हाँ, लंदन कैसा है? हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? आर यू बैक होम? फोन आ रहा है इसको। तो फूका हुआ है, शक्ल बनी हुई है इसकी। रिलीज तो करवा दिया भाई, वो तो करवाना ही था यार, अपने बेटे की बात को थोड़ी टाल सकता है। उसकी बात यहाँ पे सच हो गई कि मुर्शद साईं। आगे अभी से तसल्ली हुई है कि यार आ गया यार बंदा। कुछ बोलेगा नहीं अभी। सिंपल बन रहा था। नंबर तो बना लिया यार इसके सामने, इसकी हर बात सच है भाई। सॉरी बस ये कहना चाहता हूँ, तुम परेशान नहीं होना, जो होना था वो हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है कि ये बात सोशल मीडिया पे आएगी या खबर बनेगी तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ कर रही है, तुम्हें क्या क्लास दिया दाऊदरी खान की, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना? देखो शिवरा, मैं चाहता हूँ बस तुम खुश रहो। सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे दिल के बहुत करीब। थैंक यू। छोटी छोटी खुशियां हैं मेरी। सच में
अगर तुम मुझे जेल से ना छुड़ाते तो पता नहीं कितने और दिन मुझे वहीं रहना पड़ता। अरे आग लगा देता उस थाने को, मर से मानू हूँ, क्या समझ रही हो यार? तो पता है, मुझे पता चला ना तुम्हें लेके चले गए लॉकअप में, मेरा दिल फड़फड़ाने लग गया, कसम खुदा की। तुम मजाक समझ रही हो? अगर तुम्हें लगता है मजाक है ना तो चलो मेरे साथ थाने। इंस्पेक्टर गुलाब नाम था ना उसका, उसके कान के नीचे गुलाब फिक्स करके दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। शिप्रा याद रखना, मेरे होते वक्त तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी वो काम गई थी तो मुझे पता चला। बोल तो देता है ये किसके सामने सच छुड़ाया कैसे तुमने मुझे? मुर्शिद साईं और राज भी है, और अगर राज की बात राज रहे तो ज्यादा बेहतर है। ओके बात सुनो, अब तुम्हारा मुंह ठीक है? देखो बस मैं चाहता हूँ अभी हम घर जाएंगे ना, घर जाके हम घर वालों के साथ अच्छे से मिलो, तुम अच्छे से मिलो, और कल सुबह जो होगी भूल जाना रात में क्या हुआ है। बस रात गई बात गई, छटनी बड़ी बात नहीं थी, उल्टा अच्छा काम किया तुमने। ठीक है चले, कहूँ तो मैं तुम्हारे डुबकी लगाऊँ पानी में? मुसलमानों पर हंसी थी ना, बस वैसे ही हंसो। तो मुझे हल्का समझ रहे हो तुम? समझते हो मैं कुछ नहीं लड़ सकता? गांव में एक दफा के बंदा आया था मुझसे लड़ने के लिए, मैं लोगों से दो तीन दफा से मारा, ये और ये लात मारी थी। तमिल फिल्मों की फिल्म जैसा होता है ना, बंदा दूर जाता है वैसे गया था वो। जैसे क्या नाम है उसका, वो इंस्पेक्टर गुलाम, पकड़ ना जरा। एक दफा एक बंदे ने मेरे साथ क्या किया, वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ मैंने ये ऐसे ये क्या, मैं तुम्हें बताऊं अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ, कहानियों में तो माहिर है यार, आपको मार के दिखा सकता हूं। नहीं नहीं जरूरत नहीं है। और एक और मेरी स्पेशल किक है, किक में मैं करता हूं ऐसा ऐसा। बस मिल लिया ना, जाओ खाने वाने की तैयारी करो, थकी हुई है, भूख लगी होगी। सो कहना लगाए रही थी, मैं देख लेती हूँ और फसल बाश को भी बुला लेती हूँ। वो चला गया है। कहाँ? अपने गांव चला गया है, कह रहा था फोन पे मुर्शिद साई से बात नहीं कर सकता, बेअदबी होती है, जाएगा और खुद शुक्रिया अदा करेगा। सुभान अल्लाह, फजल बख्श वाकई पक्का सच्चा मौला है। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ, फिर आप दोनों को बुला लेती हूँ। ठीक हो ना? घर तो आई जा रही है। क्या छुड़ाया यार, मतलब सही है यार, सही है मुर्शिद सही कह के वो सारे काम करवा रहा है, करवा रहा है, कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है, खुद ही कर रहा है भाई। और अपने पापा को क्या सेट कर रहा है यार, उसने पॉलिटिक्स की भाषा में अपने पापा को सेट भी कर दिया, वो वहां पर रिलीज भी करवा लिया। हाँ वहां पर भी वो बुरा नहीं बनना चाहता, यहाँ पर बुरा बनना चाहता, उनके आगे उनका, इनके आगे इनका, मतलब सही चल रहा है यार। सोशल मीडिया हायर करता है तो उसने वैसे फंसाया है वो। हाँ वो वैसे मैंने हायर करी है कि बात हो भी है, हमारा मसला है वो सब दबाएंगे। हाँ क्या बैलेंस करके चल रहा है, स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब बहुत सही सही लेके चल रहा है, बहुत सही हर जगह बैलेंस करके चल रहा है, बैलेंस करके चल रहा है, अच्छी चीज है। और अपने प्यार के लिए तो यार बंदा कुछ भी करता है, और इसमें वही दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, कुछ भी कर सकता है बंदा, बढ़िया चल रहा है। तो गाइस मजा आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं गाइस, बिल्कुल मजा आ रहा है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।